निजामिया मैनेजमेंट वेलफेयर एजुकेशन सोसाइटी बेलगाम और निजामिया बैतुल माल और निजामिया यूथ कमेटी और हजरत निजामिया अल मदद, ये सारी कमेटियों का जो है मैं दिल की अमीक गहराई से लेकिन शुक्रिया अदा करता हूं कि इन्होंने जिस काम को अंजाम दिया है यानी ब्लड डोनेशन कैंप जो रखा है, मैं आपका जगने ज्यादा कीमती वक्त न लेते हुए मुख्तसर यही कहना चाहूंगा कि दुनिया के जितने भी मजाहिब हैं इन सारे मजाहिबों को मिलाने के बाद में एक मजहब देखने बनता है, वह है इंसानियत। जैसे कि आज यहाँ पे ब्लड डोनेशन कैंप रखा गया है और मेरी जो खुसूसी गुलपोशी की गई है, मुझे लगता है कि एक गुलपोशी करने की जरूरत ये यंग कमेटी को है, निजामिया के जो लड़के हैं उन्हें करने की जरूरत है। कि मतलब जिस तरह का अरेंजमेंट उन्होंने किया है यहाँ पे, जैसे कि पूरे कारपोरेटर्स को बुला के पूरे उम्मत को जोड़ने का काम और हमारे आपस से जो मुक्त प्रॉब्लम्स है उसे क्लियर करने का काम इन्होंने जो किया है, तो इसके लिए मैं वाकई में उन्हें हौसला अफजाई देने की एक उम्मीद रखता हूँ। और ये जो ब्लड डोनेशन कैंप आपने आज जो किया है, ये इंसानियत की जरूरत है। ब्लड कहीं पर भी मैन्युफैक्चर किया नहीं जा सकता, इसे किसी फैक्ट्री में बनाया नहीं जा सकता, ये सिर्फ ताउन करने से आता है और इसे ताउन करने से इंसानियत जिंदा है, इसका एक सबूत मिलता है। और इसी इंसानियत का जिंदा होने का एक मैसेज देने के लिए निजामिया के जो बच्चों ने काम किया है, ये वाकई तारीफ के काबिल है। निजामिया माइनॉरिटी वेलफेयर एजुकेशन सोसाइटी और निजामिया अल मदद वेलफेयर एजुकेशन की जानिब से ब्लड डोनेशन का आज जो कैंप रखा गया है, हर साल अल्हम्दुलिल्लाह बड़े ही जाब्ते के साथ बड़े ही अच्छे अंदाज में इस काम को अंजाम दिया जाता है। ब्लड डोनेशन कैंप में ये खुसूसी बात मैंने बड़गों में ये देखी है कि वैसे भी हमारे बड़गों के अंदर बहुत सारी कमेटियाँ हैं, मगर जब को खून देने की बारी आती है तो अल्हम्दुलिल्लाह निजामिया जामिया मस्जिद के जमात के मातहत रहकर तमाम कमेटियां एक होकर कौम मिल्लत की खिदमत के लिए खून देने के लिए सब आगे आ जाते हैं। और मैं आप तमाम लोगों को एक बात बताना चाहता हूं कि जिस वक्त में हिंदुस्तान के अंदर और तमाम दुनिया के अंदर कोविड जैसी बीमारी आ गई, उस वक्त में फ्रंट लाइन वर्कर डॉक्टर्स नर्सेस और जितने भी इदारे थे, ये तंजीमों ने जो काम को अंजाम दिया उसकी बदौलत आज दुनिया के अंदर सुकून और अमन है। ये बात आप सोच के चलिए कि एक कैंपों के जरिए आज एक यूनिटी का मैसेज चला जाता है, इस कैंपों के जरिए बाहर से आने वाले लोगों के लिए ऑटोमेटिकली ब्लड अवेलेबल हो जाता है।
ऐसे ही मैं ब्लड ऑर्गेनाइजेशन करने के लिए केली जो संस्था है ये भी यहाँ पर आकर डॉक्टर्स की टीम आपको आपके साथ रब्ता कायम किया और उन्होंने आपको भी हेल्प की, उनका भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। जो ब्लड डोनेशन कैंप अरेंज किए हैं निजामिया ग्रुप ऑफ एसोसिएशन, उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि ये कोरोना के डिफिकल्ट टाइम में भी उन्होंने आगे आके ये ब्लड डोनेशन कैंप अरेंज किया है, इसलिए मैं उनका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ और उनको धन्यवाद देता हूँ। अस्सलामुअलैकुम, मैं बोलना चाहता हूँ कि हमारी जो ये अलमदद कमेटी है इधर हमारे जमात वाले जो भी कमेटी वड़गांव में है सब लोग हेल्प करके हमारे वो कमेटी इधर तक पहुँचाए, सबका शुक्रिया करता हूँ। और हमारे ये दरगाह में जो हम कर रहे हैं ना अभी प्रोग्राम, तो उसमें हमारे बाबू चाचा मुजार करके वो भी हमारी बहुत हेल्प किए, ऐसा है बहुत अच्छी तरह हमारे को सपोर्ट दिए, ऐसा है उनका भी शुक्रिया करते हैं। और हमारा सब कमेटी जो है अच्छा चल रही है, ये चलने का कारण क्या है, जो आम आदमी हमारे को जितना कलेक्शन दे रही है, जितना हमारे को सपोर्ट दे रही है, उसकी वजह से हमारे कम्युनिटी का नाम हो रहा है, वो आम आदमी का मैं दिल से शुक्रिया करता हूँ। और ऐसा ही हमारे कम्युनिटी को चंदा सदका बिता ज़कात देते रहे और हमारे कम्युनिटी को आगे बढ़ाते रहे।